भी बस आ रहा था, देखते हैं आगे बढ़ता क्या। क्या बात है, एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप्स। क्या बात है। तो फोन फिक्स हैदराबाद, एंड्रॉयड एमएमसी एंड आईफोन ट्रेनिंग सेंटर एंड आईएसओ 9001-2015 इंडियाज बेस्ट मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। ज्वाइन टुडे, ज्वाइन इमीडिएटली फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन लेकर आते हैं, और आज हमारे पास एक स्टूडेंट है राहुल, और इनके पास एक सेट है रियलमी 5 का जो कि हैंग ऑन लोगो है, और यहाँ पे इसका हम इनको सोल्यूशन बताने वाले हैं। ये हैंडसेट रियलमी 5 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हैंग ऑन लोगो की, और इसमें एक स्पेशल सा ट्रिक है इसके लोगों को हटाने का। तो यहाँ पे आज हम पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टूडेंट के साथ करेंगे, तो जुड़े रहिए पूरा एंड तक। स्पेयर फोन लेके ले रखा। यहाँ पे एक हमारे पास एक आईसी है रियलमी 5 और 5i, ये दो सेट में एक इश्यू आता है हैंग ऑन लोगो। तो ये आती है BJ254 वाली आईसी सैमसंग की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले UO5 में आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे इसके अंदर फाइल का इश्यू है, कुछ हेल्थ का इश्यू है या कुछ अलग इश्यू है। तो यहाँ पे हमारा आईसी क्यों सैमसंग का है, मतलब इसमें हेल्थ का इश्यू नहीं है, ऑलरेडी सारा कुछ है, इसमें सॉफ्टवेयर भी है और हमारे पास हेल्थ रिपोर्ट भी है, देख लेंगे एक बार। हमारा हेल्थ भी क्या है 0-10% दोनों में ओके, हेल्थ भी ओके, फिर भी हमारा हैंडसेट क्या है लोगों पे स्टक है। तो अब इसको करना क्या है, हम ना इसको फ्लैशिंग करेंगे, ना कुछ रिप्रोग्रामिंग करेंगे, ना 90% का कोई इश्यू रिपेयर करेंगे। स्पेशल ट्रिक है, एक स्पेशल ट्रिक है जो हम स्टूडेंट को भी देते हैं यहाँ पे। तो एक चीज बता देता हूँ आपको, क्या मॉडल है ये रियलमी 5i आपका है ना राहुल? यस सर। लोगों पे अटका है? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे जहाँ पे हमारा एमएमसी के अंदर जो पार्टीशन होते हैं, सारा जो पार्टीशन होता है वो कहाँ शो करता है, यूजर एरिया पार्ट में शो करता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता कहाँ है इशू, ये इशू होता कहाँ है, तो यहाँ पे देखो जितने भी आपको पार्टीशन शो हो रहे हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट को बताते हुए, ना ही इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, क्योंकि लोगों पे तो आ रहा है इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो हुआ नहीं है। अगर लोगों पे नहीं आता तो हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते। तो ये जो स्पेशल ट्रिक्स होती हैं फ्रेंड्स, ये हम जब काम करते हैं लाइव, हमारे डेली कस्टमर के सेट बनाते हैं, हमारे यहाँ पे दुकान के काम भी आता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स कि क्या मार्केट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट के ही हैंडसेट होते हैं जो हम उनके साथ लाइव रिपेयर करते हैं, हमारा कोई हैंडसेट यहाँ पे नहीं होता है। जितने भी हैंडसेट आप रिपेयर करते हैं क्लास के अंदर, सारे के सारे स्टूडेंट के ही होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी सारा हमने इनको एमएमसी में दिया है, प्रोग्रामिंग इनको बताया है, रीप्रोग्रामिंग बताया है, एमएमसी चेंज इनको बताया है, सिक्योरिटी कैसे रिपेयर करना है, बैकअप कैसे लेना है, या फिर एक ऐसे छोटे छोटे स्पेशल ट्रिक्स होते हैं जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और काम भी 100% सक्सेसफुल आपका काम होगा। ऐसे ट्रिक इनको बताया जाता है, हमारा काम हो गया है। यहाँ पे आपको जैसा आप पहले बच्चे फ्रेंड्स हमारे पास 20 दिन के कोर्स में आए हैं, इनको बेसिक से सिखाया गया, पहले आईसी रिवॉल्विंग वगैरह, आईसी ब्लैक पेशेंट, आईसी व्हाइट पेशेंट, आईसी कैसे खोला जाता है ये इनको सिखाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स इनको सर्किट की नॉलेज दी गई है सब कुछ, उसके बाद इनको हार्डवेयर में पूरा कम्प्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर की क्लास इनको दी गई है, उसके बाद इनको हमने प्रोग्रामिंग सिखाई है UEFI और इजी जटैक से। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं लाइव अभी है, जाकर के अपना आईसी लगाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं जो सेट होते हैं फ्रेंड्स वो स्टूडेंट्स के ही होते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है, हर एक के अपने अपने सेट होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। मार्केट में वो सेट घूमते रहते हैं उसके बाद भी वो उसे ऑन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं होगी आपके पास तो आप उसे ऑन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट बैच जो है हमारा 17 जनवरी से बैच है, एडवांस EMMC कोर्स प्लस डुअल डेकर CPU प्लस हार्डवेयर के स्पेशल ट्रिक विद सर्किट डायग्राम। तो जल्दी से कॉल उठाइए, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर फुल कोर्स करना है, जनवरी 27 से बैच है, फरवरी 27 से बैच है, जनवरी का ऑलरेडी फुल है, तो जल्दी से आप फरवरी में अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं, 2-4 सीट फरवरी में बाकी है। अगर आप चाहे तो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, 20 दिन की क्लास होती है, 10 घंटा प्रैक्टिकल होता है जिसके अंदर सर्किट की नॉलेज, स्कीमेटिक की नॉलेज, साथ ही साथ हैंड स्किल का काम आपको सिखाया जाता है, जितने भी फॉल्ट आते हैं लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है, बक लाइन, LDO लाइन्स, कोर लाइन्स, EMMC की जितनी भी लाइन्स है सब कुछ, VCC, VCCQ, VPH लाइन, VS, YS,
या फिर VSN, VSP जितने भी लाइंस होते हैं सब कुछ आपको बताया जाता है। और साथ ही साथ अपने साथ 10 हैंडसेट लेकर आ सकते हैं जिसको आप रिपेयर करके अपनी फीस भी काफ़ी सारी रिकवर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, आप ही से हम सेट बनवाने लगाएंगे, उसका फॉल्ट आप ही से हम यहाँ पे डायग्नोस कराएंगे। हमारे पास पावरफुल डायग्नोस मेथड होता है जो सालों का एक्सपीरियंस है, 20-20 साल से हमारे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो फैकल्टी हमारे फ्रेंड्स काफ़ी सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, 4 से 5 टीचर मिलकर आपको एक ट्रेंड करेंगे और लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट रहता है। दोबारा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे पास व्हाट्सअप और टेलीग्राम का सपोर्ट होता है जिसके अंदर हम आपको सोल्यूशन देते हैं। तो फ्रेंड जुड़ जाइए इंडिया के एक बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोबाइल का, जहाँ पे आपको एक सर्किट लेवल पे हम आपको काम सिखाएंगे, शायद ही इंडिया में कोई इस तरह का आपको काम सिखा रहे होंगे। फ्रेंड रही बात कोरोना की, यहाँ पे तेलंगाना में कुछ भी यहाँ पे बंद नहीं है, 24 आवर्स यहाँ पे खुला है, ना ही नाइट कर्फ्यू है ना ही डे कर्फ्यू है, बिल्कुल अभी तक तो ओपन है यहाँ पे। अगर आना है तो आ सकते हैं, अभी 17 तारीख से हमारा बैच है, जनवरी 17 से आप उसके भी वीडियोस देखेंगे, लाइव क्लास देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि आपको इंस्टीट्यूट वगैरह बंद करना है। हमारा खुद का हॉस्टल होता है जहाँ पे सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही होते हैं, बाकी कोई हमारे हॉस्टल में नहीं होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों की हेल्थ का पहले ख्याल रखते हैं, क्योंकि हेल्थ अच्छा होगा तभी आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। फोन फिक्स हैदराबाद में, तेलंगाना में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे हम यहाँ पे काम सिखाते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के ओनर्स हमारे पास आकर काम सीख कर जा चुके हैं, जो कि अच्छे लेवल पे अपना ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे तो 10-10 साल से काम करते थे, ऐसे भी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, आकर के अपने लेवल को अपडेट कर लिए हैं, अपने आप को अपडेट कर चुके हैं। आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे राहुल का जो रिव्यू है, उनकी बात पूरी सुनिए, जब आए थे क्या लेवल पे थे और आज क्या लेवल पे जा चुके हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी वगैरह इन्होंने लगा ली है, इमेंस इन्होंने लगा ली है, और यहाँ पे ये हैंडसेट देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स लोगों पे आ चुका है फर्स्ट लोगों पे, क्योंकि इसके आगे नहीं बढ़ रहा था, पहले लोगों पे अटक रहा था। तो चलिए देखते हैं रियलमी का सेकंड लोगो आता है कि नहीं आता है। रियलमी 5 हैंडसेट है जो कि लोगों पे रुका हुआ था, इसको हमने प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, इनको बताया है कि कैसे सेट को बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लोगो आ चुका है, चलिए पूरा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता देखते हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। रियलमी बस आ रहा था, देखते हैं आगे बढ़ता क्या। क्या बात है, एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप्स। क्या बात है, तो राहुल थोड़ा सा बोलो भाई, तुम्हारा सेट है ये? यस सर। साथ में लाए थे? यस सर। क्या प्रॉब्लम था सर? ये एक्चुअली रियलमी में रुका हुआ था, हैंगन लोगो था। हैंगन लोगो था। तो आपको ये एमएमसी प्रोग्रामिंग एमएमसी क्लास में आपके एमएमसी टीचर बताए आपको क्या करना है ट्रिक? अच्छा सामने करे ना भाई सबके, ऐसा तो नहीं है छुपा के करे, बस एक क्या क्या था इसमें? इसमें ना कोई फ्लैशिंग करना, ना कुछ नहीं, ट्रिक था, एक ट्रिक था, बताए थे क्या यहाँ पर? नहीं बताएंगे ना यहाँ तो अभी ऑन हो गया सेट, तो इस तरह का आया प्रॉब्लम भाई साहब बना सकते हैं? बहुत छोटा प्रॉब्लम था, बहुत आराम से सॉल्व, प्रॉब्लम छोटा था लेकिन बस अगर नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं पता थे, अभी पता चल गया, पता चल गया। आप कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से सेटिस्फाई है कि नहीं आप? फुल्ली सेटिस्फाई सर। अभी आज जो प्रैक्टिस करा रहे आपको एमएमसी का पूरा क्लास समझ में आ रहा है? जितने डाउट थे अब क्लियर हो गए। देखो जो भी है यहाँ पे आ रही थी लेकिन अब ठीक है चेहरे, चलो कोई बात नहीं। राहुल क्या बोलना चाहेंगे, कोई आके यहाँ सीखना चाह रहे उनको क्या बोलना? सर यहाँ सीखा जाए बहुत, कैसा सिखाते भाई साहब थोड़ा बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस नॉलेज तक बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, एक बार क्लास भाई सबके लिए, चलो थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स मेरे साथ एक और स्टूडेंट है 27 दिसंबर बैच के, चलिए दीपक जी आप बताइए आपका 20 दिन का सफर कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे, कोई वीडियो देख रहा है उनको? मेरे पास तो शब्द भी जो होते हैं वो कम पड़ जाएंगे, मैं कानपुर यूपी से हूँ। मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा समीर सर को, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे आओ, और उन्होंने जो कहा उससे मैंने ज्यादा पाया, स्पेशली थैंक टू फिरोज सर, जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते थे स्कीमेटिक, मुझे लगता था कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में सीधा छप जाता था वो, उसको हम लोग खुद प्रैक्टिकल में करके देखते थे बड़े आसानी से हो जाता, फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती थी, तो स्पेशली थैंक टू सगी सर, बड़े आराम से एक्सप्लेन करते थे,
फिर उसके बाद जहाँ टैक्टिक्स और ट्रिक्स की बात आती है तो सागर सर का तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता कि वो किस तरह से कोई भी बड़ा से बड़ा फॉल्ट या बड़ा से बड़ी चीज हो ऐसे बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे खेल रहे हो, बिल्कुल उनके लिए मजाक की बात है। बहुत वाकई में ब्लैक पेस्टेड वगैरह ऐसे उतारते हैं जैसे, और वाकई में मुझे इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिली और साथ में बैठ के एक्सप्लेन करते हैं पूरा, आप यहाँ गलती कर रहे हो, ये सगीर सर हो चाहे अपने सागर सर हो, बहुत आराम से एक्सप्लेन करते हैं कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं और हमारा हाथ पकड़ के हमें समझाते हैं कि यहाँ से करो यहाँ से करो। बहुत अच्छा सर। और आगे हमारे तौफीक सर आए, इन्होंने हमें ऐसे ऐसे यूजफुल टिप्स दिए सॉफ्टवेयर के अंदर, हमें लगा कि वो कई में यहाँ की जो पूरी टीम फोन फिक्स हैदराबाद है वाकई में लाजवाब है। आप ये समझ लीजिए कि कहीं मत जाइए, आप इधर ही आइए, ये टीम खुद भी मेहनत करती है और हमसे भी मेहनत कराती है, और अगर हमारे अंदर कोई डाउट रह जाते हैं तो रात को खुद भी उठते हैं और हमें भी उठाते हैं और पूरी मेहनत कराते हैं। वाकई में दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूंगा तो फोन फिक्स टीम हैदराबाद को, थैंक यू। मैं कानपुर से, उत्तर प्रदेश से, कानपुर यूपी से। आपको दिल्ली मुंबई कलकत्ता बिल्कुल आसपास में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसा नाम सुनने को मिलता है, आप इतने सारे छोड़ के फोन पिक हैदराबाद में ऐसा क्या अलग लगा, डिफरेंस क्या लगा सर? मैं पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि वहाँ के वो कहते हैं ना कि मीठे पकवान और तीखे वो होता स्वाद जैसा हुआ कुछ उस तरह का रहता है, मैंने दिल्ली का भी एक्सपीरियंस किया और भी बड़े बड़े रहे, मतलब खाली वो बोलने में ज्यादा बिलीव करते हैं लेकिन यहाँ पे ये है कि करने में बिलीव करते हैं कि खुद भी करते हैं और हमें भी ऐसी ऐसी ट्रिक्स दी हैं, ऐसे ऐसे टैक्टिक्स समझा दी हैं कि हमें लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी ओलंपिक्स की टीम हमारी हेल्प के लिए हमेशा है। और एक बात, आपके पास ये बड़ा ऑप्शन है, आप दोबारा फिर आ सकते हैं। मेरे को सर ने पूरा सपोर्ट दे रखा है, उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप अपग्रेड के लिए आओ, 2-3 महीने प्रैक्टिस करो, जो आपके डाउट्स हो आप लिख के रख लो और अपग्रेड के लिए आओ, अपने आप को अपग्रेड करके जाओ, और रहने खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पे जगह भी है जो नीट एंड क्लीन है, खाना भी यहाँ का कोई इतना कॉस्टली नहीं है, ठीक है, बहुत कम बजट में अच्छा खाना मिल जाता है, बहुत साफ सुथरी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा शहर है, लोग यहाँ के अच्छे हैं, मैं बहुत खुश होके जा रहा हूँ। आपको जो सजेस्ट करे थे न्यू गैजेट नगरी समीर जी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? समीर सर थैंक यू, आपने मुझे सजेस्ट किया यहाँ आने के लिए, अगर आपने मुझे कहीं और भेजा होता तो शायद मैं आज इतना खुश ना होता जितना मैं आज खुश हूँ। जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे सर, मुझे कोई डाउट थे तो वो डाउट भी मेरे क्लियर कर दिए, मेरी इतनी सी उदासी मेरे चेहरे पे नहीं है, मैं अंदर से पूरी तरह से खुश हूँ और अच्छी तरह से सैटिस्फाई हूँ। क्या बात, एक बार राउंड ऑफ क्लैप उनके लिए। एक सर एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ इतने सारे भाई बने जो हमारे, ये एक छोटा सा स्मॉल इंडिया ही बन गया ही हमारा, हमारे स्मॉल इंडिया सब भाइयों की तरह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा और हम सब एक दूसरे को मिस भी करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। राजदीप प्रसाद तुमको बता था ना भाई, फ्रेंड्स मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, राहुल, जो कि इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, पहले काफी टाइम से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है, और यहाँ पे 20 दिन के बाद इनमें कितना डिफरेंस आ गया ये पूछते हैं इनसे, क्योंकि सभी ने एक अच्छा नीट स्कीमेटिक डायग्राम के सभी ने बनाए इसमें से काफी स्टूडेंट, और उसमें से राहुल जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अपने डायग्राम बनाए, एक बार राहुल के लिए जोरदार एक्स्ट्रा मेहनत की है, डायग्राम बनाए ताकि फ्यूचर में इनको काम में आए। तो राहुल बताइए आपका 20 दिन का सफर फोन फिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में मैं बहुत पुराना हूँ और आने वाले समय के हिसाब से जैसे दुनिया बदलती वैसे टेक्नोलॉजी भी बदलती है। पहले अपन 2G की दुनिया में जी रहे थे, फिर 3G आया, 4G आया और आने वाले समय में 5G आ रहा है। अगले मोबाइल में MMC का यूज़ नहीं होता था, फ्लैश IC का यूज़ होता था। आज की डेट में MMC का यूज़ हो रहा है। आज जितने भी कहाँ जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में MMC का काम दिखाया जा रहा है, पर इतने अच्छे लेवल पे इतने अच्छी क्लीनिंग के साथ साथ नहीं सिखाया जा रहा है, जो फोन भी हैदराबाद में मिली है और जो मैंने सोच के आया था वो चीज़ मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है। मेरा ब्लैक पेस्टर व्हाइट पेस्टर क्लियर नहीं था, डबल डेटा क्लियर नहीं था, मैं यहाँ पर सक्सेस होके जा रहा हूँ। सब कुछ सक्सेस करे हाथ से। सर आपको साथ में बैठ के बताए होंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको सर्किट डायग्राम से, तो सर्किट डायग्राम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर्किट डायग्राम में फिर सर ने जितने अच्छे से डीपली सिखाया है, बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया, सब कुछ एक एक लाइन आपको बताया क्या काम करती है, वोल्टेज क्या आता है, सिग्नल कहाँ पे आता है, कॉम्पोनेंट कैसा है, सर्किट कैसे काम कर रहा है, चाहे कोई भी IC वो सारे सेक्शन के बारे में बताया गया। इसके बाद आप सारे डायग्राम भी बनाए। जी। तो जो बनाए डायग्राम समझ में आया आपको? जी डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नहीं। इसके बाद हमारा दोपहर से क्लास होता है हार्ड स्किल का काम। रिवॉल्विंग फर्स्ट आपको सिखाए, पावर AC, चार्जिंग AC, CPU वगैरह सिखाया। उसके बाद पेस्टेड AC खुलाया आपसे, व्हाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड खुलाया, डबल डेकर खुलाया, सारा हाथ से आप करें। जी मैंने खुद किया। तो सारे सर जो टेक्निक बताया जिस तरीके से बताया उस तरीके से करें, आपको सक्सेस मिला उसमें? बिल्कुल सक्सेस मिला। अभी और कहीं जाके सीखने की जरूरत नहीं। बाकी इसके बाद सॉफ्टवेयर और MMC का क्लास आपका 5 दिन से चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सॉफ्टवेयर में जो टॉपिक सर ने जो ट्रिक बताया है, एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर तो नॉर्मली आजकल बहुत जगह ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत कम रेट पे ही हो जाते हैं, पर टॉपिक सर ने कुछ ऐसी ट्रिक्स और ऐसी कुछ फाइलों के नाम बताए, कुछ वेबसाइट के नाम बताए हैं जो हम लोगों ने कभी आज तक देखा भी नहीं है। जैसे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिसमें हम MMC लगाना है तो कौन सी लगाना है, कैसे लगाना है, हम लोग तो परेशान हो जाएंगे अगर ऐसे लिखते रहेंगे। तो वो तुमने तो एक सॉफ्टवेयर भी बता दिया कि उस सॉफ्टवेयर में जाके देख लीजिए कि ये MMC कौन सी सपोर्टेबल है उस मॉडल पे। बहुत सारे तरीके बताए हैं, किस फाइल को क्या होती, कौन सी फाइल किस स्टाइल के लिए होती है, आपको मोबाइल को फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डाटा वैसे की वैसे ही रहेगा, आपको सिर्फ एक फाइल चेंज करनी है और आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा। आप कहाँ से है राहुल? मैं राहुल मंडला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से आप इतनी दूर यहाँ पे हैदराबाद क्यों आ गए? क्या अलग अलग बात है? डेट होने के लिए तो आना ही। और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात वगैरह, आप मध्य प्रदेश छोड़ के हैदराबाद में क्यों? ऐसा क्या अलग? यूट्यूब में वीडियो देखा था आपका, रिव्यू अच्छा समझ में आया तो मैं यहाँ पर। तो जो रिव्यू आप यूट्यूब में देखे थे आज आप खुद बैठ के दे रहे हैं, ये कोई फेक वीडियो तो नहीं बनाते यहाँ पे? क्योंकि आप 20 दिन से काम कर रहे हैं, उसके बाद आप जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? दिल से बोल रहे। सेटिस्फाई है कि नहीं? बिल्कुल सेट। कोई आना चाहेगा बच्चा यहाँ पे तो रहने के लिए, खाने के लिए? यहाँ पर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने खाने से रुकने से कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग 10 बजे से जो क्लास लगती है आपकी, नाइट 8 बजे तक चलती है, जिसमें आपका लंच को ब्रेक मिलता है और इवनिंग ब्रेक मिलता है। फिर आपको नाइट में भी अगर मान लो जो रिवीजन होता है, रिवीजन पीरियड, वो आपको नाइट क्लास में भी क्लियर कराया जाता है। किसी कुछ समझ में नहीं। कुछ सेट लाए थे आप रिपेयर? मैंने कुछ मोबाइल लाए थे, मैंने रिपेयर कर। कितने रिपेयर कर लिए? मैंने 4 रिपेयर कर लिए। ठीक है, तो जो सोच के आए थे मिला आपको? जी सर। सेटिस्फाई है कि नहीं? एक बार 2000 क्लास इनके लिए भाई। थैंक यू वेरी मच।